साथियों और देशवासियों के चेहरे पर सुकून और उत्सुकता देखते ही बन रही है। बिजनेस टाइकून यहां पर मुकेश अंबानी, उनके साथ फिल्मी जगत के नामचीन सितारे शाहरुख खान भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पधारते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी भी यहां पर इस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। सुकून एक दृढ़ मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में देश का नेतृत्व सौंपने का, उत्सुकता भावी भारत की तस्वीर को लेकर, वो तस्वीर जिसमें सबकी प्रगति, उन्नति और तरक्की हो। यू आर टॉकिंग अबाउट तस्वीर, व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर इज एवरीवन इज ऑन सेल्फी मोड, सो यू सी सुपरस्टार्स टेकिंग पिक्चर्स विद पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिशियंस टेकिंग पिक्चर्स with superstars. A very interesting time here to see people interacting with each other. There's so much joy, excitement, a sense of warmth, and of course bonhomie as people from across party lines and from across professions are coming together for this historic special occasion. ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी शानदार परिचय है ये समारोह। This grand space has borne witness to countless moments of national importance, serving as the stage for the oath-taking of prime ministers. And as we stand here today amidst the grandeur of Rashtrapati, क्यों और देशवासियों के चेहरे पर सुकून और उत्सुकता देखते ही बन रही है। बिजनेस टाइकून यहां पर मुकेश अंबानी, उनके साथ फिल्मी जगत के नामचीन सितारे शाहरुख खान भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए पधारते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां इसमें शामिल होंगी। मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी भी यहां पर इस समारोह का साक्षी बनने के लिए उपस्थित। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, एक तरफ सुकून तो दूसरी तरफ उत्सुकता। सुकून एक दृढ़ मजबूत और प्रभावी सरकार के हाथ में देश का